हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमएफटी रिटेल में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ई पॉन या जी पॉन किसको खरीदे। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो भी उन्हें पता चलता है कि ओएलटी अपना दो तरह का मार्केट में अवेलेबल है, एक है ई पॉन, दूसरा है जी पॉन, या फिर एक एक केस होता है कि आप मार्केट में पहले से हैं, आप अभी यूज कर रहे हैं ई पॉन और अब आपको नया ओएलटी खरीदना, आपका नेटवर्क बड़ा हो गया तो आप सोचते हैं मैं क्या खरीदूं, जीपॉन खरीदूं या ईपॉन खरीदूं फिर से। तो इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को नो डाउट सब्सक्राइब कर दे, आप लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बढ़िया ही बनेगा। ठीक है तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग के पास जो ऑप्शन होता है बाजार में जो अवेलेबल है, दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, एक है अपने पास ईपॉन का, दूसरे है अपने पास ईपॉन का। मतलब दोस्तों याद रखना, ये जो ईपॉन है ना, ईपॉन बोलो या जी ईपॉन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ईपॉन या जी ईपॉन दोनों का मतलब आपका एक ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जीपॉन अलग होता है, ये GPON। ठीक है, और जीई पॉन और ई पॉन दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। अब चलो, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जी पॉन खरीदा जाए या ई पॉन खरीदा जाए। तो दोस्तों देखो, ऐसा है कि अगर टेक्निकली हम लोग डिफरेंस को समझे तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है। पहले थोड़ा सा उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे देते हैं, बड़े बड़े डिफरेंस के ऊपर, और जो बड़े बड़े लोग बात बताते हैं उस चीज के ऊपर। तो देखिए, इसके लिए मैं विसोल का ही वेबसाइट का रेफरेंस ले रहा हूं, उसने भी एक कंपैरिजन चार्ट करके दिखाया है। बड़े बड़े टेक्निकल डिफरेंसेस में बताया कि डेटा रेट में ये डिफरेंस होता है, स्प्लिटर रेशियो में ये डिफरेंस होता है, और सबसे बड़ा चीज क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या क्या डिफरेंस है। जो जीपन है, टीडीएम, एटीएम, ये सब टेक्नोलॉजी यूज करता है, ईपॉन ये सब नहीं यूज करता है। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए कि ऑपरेट एंड मेंटेनेंस में क्या है, तो इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी डिफरेंस है। आप इस बीसॉल के वेबसाइट पर जाकर भी डायरेक्ट सब चीज़ आप देख सकते हो। मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि देखा जाए टेक्निकली तो इसमें जीपॉन जो है, जो उसका ट्रांसमिशन का जो टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ा सा जो मैंने डेटा भेजने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है ईपॉन के कंपेरिजन में, और वो नो डाउट बढ़िया भी है। ठीक है, अब हमको आना है कि हमारे सिनेरियो में ईपॉन इंडिया में या अफ्रीकन कंट्री में बहुत ज्यादा बिकता है ईपॉन ओएलटी। तो क्यों ईपॉन ओएलटी ज्यादा बिकता है, क्या कारण है इसका? कारण ये है कि एक तो यहाँ पर कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर जो है, डेंसिटी अगर बोला जाए तो कम होता है। मतलब डेंसिटी बोलने का मतलब जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में तो ओके है, जैसे सिटी का बात कर रहे हो, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, या बड़े बड़े जो सिटी है वहां पे आप देखोगे कि जो एलसी होते हैं या भी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो 1-2 किलोमीटर के अंदर में 500-1,000 कस्टमर को कनेक्शन दे देते हैं। उनका एक जो पॉन निकलता है ना ओएलटी में, जो पॉन निकलता है, एक पॉन से 2 किलोमीटर के अंदर उनका 128 कस्टमर हो जाता है, या 100 से ज्यादा कस्टमर हो जाता है। तो उनके लिए तो जीपॉन ओके है। जैसे मैं थोड़ा सा बेसिक चीज आपको बता दूं कि अपना ईपॉन का जो मेजर डिस्टेंस जो हमें समझना है हमारे स्टैंडर्ड पे। ठीक है, अभी देखो इंडिया में अभी भी जो एवरेज जो इंटरनेट का स्पीड है 60-70, जो आप मिनिमम स्पीड जो भेजते हो ना, देखो ये चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि आप जितने भी रुपए का प्लान बना लो, ठीक है, जो भी आईएसपी है कितने रुपए का, उनका लोवेस्ट जो प्लान होता है ना वही सबसे ज्यादा बिकता है। जैसे जियो भी ने भी अपना एक डेटा रिवील किया था जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा उसका जो प्लान बिकता है वो 400 रुपये का जियो फाइबर का प्लान बिकता है, और 400 रुपये उनका लोवेस्ट प्लान है। ठीक है, उसी तरह जो भी आईएसपी है ना, जो भी आईएसपी है इंडिया में, वो सभी आईएसपी का जो लोवेस्ट प्लान होता है ना वही सबसे ज्यादा बिकता है। ठीक है, तो क्योंकि लोग पैसा ज्यादा नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे अभी भी लोग ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, और 40-50 एमबीपीएस, 70 एमबीपीएस अभी लोएस्ट प्लान हो गया वो कहना भी है। तो
तो अभी अभी देखो हमारा टॉपिक वो नहीं है, अभी टॉपिक अपना ईपोन और जीपोन पे। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि हमारा जो एवरेज जो बैंडविड्थ का, मैं मान लेता हूँ कि 100 Mbps का मेरा कस्टमर है, 100 Mbps का कस्टमर हम लोग को देना रहता है। तो ईपोन ओएलटी में ना अपना जो डाउनलोड और अपलोड जो है ये होता है, डाउनलिंक जो होता है सिमेट्रिक है 1.25 Gbps, ठीक है, और अपलिंक भी है 1.25 Gbps, ठीक है। और जो अपना जीपोन ओएलटी है इसमें जो डाउनलिंक है ये है 2.5 Gbps और अपलिंक है 1.25 Gbps, ठीक है। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मतलब समझिए जो आपका कस्टमर है, एक ईपॉन में मान लेते हैं कि 4 पोर्ट का एक ईपॉन ओएलटी है, तो टोटल इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग रेशियो 1:64, मतलब ईपॉन में टोटल एक पोर्ट से आपका 64 कस्टमर कनेक्ट होगा मैक्सिमम, तो 4 पोर्ट से आपका 256 कस्टमर होगा, तो 256 कस्टमर मैक्सिमम जो है आपका 1.25 Gbps के हिसाब से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल कैपेसिटी होता है, 2.5 Gbps के हिसाब से ये हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये रेशियो क्या है, 1:64, यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:128, ठीक है, 1:128। तो यहाँ पे मेरा एक पॉन में जो नंबर ऑफ ओनू जो कनेक्ट होगा वो डबल कनेक्ट होगा जी पॉन में। तो अगर मेरा जीपोन में डबल कनेक्ट हो तो इसका कैपेसिटी भी तो डबल होना ही चाहिए, तो इसीलिए इसका डाउनलोड का कैपेसिटी क्या है, डबल, अपलोड उतना लगता नहीं है, ठीक है। तो अपलोड चलो 1.25 क्या 500 Mbps हो तो भी चलेगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड बेच रहे हैं हम, तो यहाँ पे कोई मैंने डेडिकेटेड लाइन तो बेच नहीं रहे, ठीक है, तो इसीलिए ये ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो इधर 128 है, इधर मेरा 64 है। और सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज जब समझिए आप, ये तो डिफरेंस हम देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अभी आते हैं सिमिलरिटी पे, सबसे बड़ा सिमिलरिटी दोनों में क्या है, ईपोन और जीपोन में, जो हमारा मेन मुद्दा है, उसी सिमिलरिटी से हमको पता चलेगा कि हमको खरीदना कौन सा है। देखो दोनों में ही जो पॉन मॉड्यूल आप लगाओगे मार्केट में, वो 7+ का पॉन मॉड्यूल आपको मिलेगा, मतलब उसमें 7 dB+ के लगभग पावर आपको आएगा, ईपोन का भी और जीपोन का भी, ठीक है। मतलब सिमिलरिटी का बात हो रहा है, इसका जो पॉन होता है पॉन का पावर कितना आएगा, ठीक है, पॉन से ऑप्टिकल पावर कितना निकलेगा। तो अब इसमें जो मार्केट में अवेलेबल है C++ वाला स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसमें 7 आएगा। और उसी तरह हमारा यहाँ पे भी अवेलेबल है, B+ है, C+ है, जो भी है, ठीक है, तो इसमें भी यही है, 7 के आसपास वाला कुछ एक आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कि इसका पावर कितना, इसका भी पावर मेरा 7, इसका भी पावर मेरा 7, ठीक है, दोनों में मेरा ऑप्टिकल पावर जो है 7-7 के लगभग है। अब ये चीज जरा सोचिए कि मैं 7+7+ मेरे पास पावर है, और अब मान लीजिए मैं सिटी के अंदर हूँ, ठीक है, मेरा जहाँ पे कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम से 1 किलोमीटर के अंदर में ही 10 तो बड़ा बड़ा टावर बना हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, हर बिल्डिंग में 30-40 कस्टमर है, मेरा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 जगह 1:16 स्प्लिटर मारेंगे, मेरा काम खत्म, मेरा हो गया जीपॉन में 128 कस्टमर, एक पॉन में देना था मैंने दे दिया 1 किलोमीटर के रेंज में। लेकिन आप सोचो किसी एक रूरल एरिया में हो जहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल बिल्डिंग है, और आपको 100 कस्टमर के लिए जहां से निकल लो आपको 5-7 किलोमीटर दूर तक जाना है, क्योंकि एक एक बिल्डिंग का मतलब एक एक कनेक्शन, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो आप अगर 5-7 किलोमीटर जाओगे फाइबर को लेके, तो 5-7 dB तो ऐसे ही आपका फाइबर में ही लॉस चला जाएगा डिस्टेंस वाला हिसाब से। तो उस केस में क्या होता है ना कि आप अगर जीपोन लगाए हो तो आपका 70-75 कस्टमर होते होते जीपोन का पावर खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका 128 कस्टमर तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। तो आपको क्या फायदा होगा जीपोन लगा के, जीपोन स्पीड के मामले में मैंने बता दिया, स्पीड में लगभग आप दोनों एक समान ही है, कोई अंतर नहीं है, दोनों में वॉइस चलेगा। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, बहुत सेल्स के बंदे भी बहुत तरह के समझाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा ईपोन में वॉइस नहीं चलना, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही L3 प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों में ही वॉइस चलेगा, IPTV चलेगा, सब चला सकते हो, अलग अलग विलेन पे चलाओ ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है,
और आप अगर मान लो एक ईपॉन का 4 फुट का वेल्टी है, उसमें 256 कस्टमर और 200 कस्टमर सिमल्टेनियस टीवी भी देखेगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। 1 MB 2 MB करके एक टीवी का अगर यूनिकास्ट पे डेटा जाएगा तो चलेगा, ठीक है। और ये मल्टीकास्ट भी सपोर्ट करता है, सबसे बड़ी बात है कि ये मल्टीकास्ट भी सपोर्ट करता है। अगर आप मल्टीकास्ट चलाना चाहते हो तो भी चला सकते हो, लेकिन जनरली अभी कोई भी मल्टीकास्ट में चला नहीं रहा है, क्योंकि चला पाते नहीं है। मल्टीकास्ट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जीपन में भी नहीं आता, ईपन में भी, दोनों में के लिए केस है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो हमारा जो असल मुद्दा हुआ कि हम देखें क्या कि मेरा जीपन तो हमने लगाया, मैं रूरल एरिया में हूँ, गांव गांव बोलो या छोटा शहर में हूँ, तो वहां पे मेरा क्या हो रहा है कि मैं 60-70 कस्टमर कर रहा हूँ, मेरा पावर खत्म हो गया। तो जब मेरा पावर खत्म हो गया, मैं पैसा एक जीपोन का 4 पोर्ट का अगर आप वोल्टी खरीदने के लिए जाते हो, आपको कितना रुपया दाम पड़ता है? अरे कितना भी कम दाम पड़ेगा ना, तो 70,000 रुपये से कम नहीं पड़ेगा। 70,000 रुपये टैक्स छोड़ दो, प्लस टैक्स, ठीक है। और अगर आप ईपोन का एक वोल्टी खरीदने जाते हो, एक बढ़िया वोल्टी खरीदोगे तो लोडेड अगर पकड़ो, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तरह पे कि 35,000 रुपये मिनिमम पड़ रहा है, 35,000 प्लस टैक्स, तो प्राइस का डिफरेंस कितना है? डबल है जीवन मेरा, डबल डबल तो पड़ेगा ही, मेरा कैपेसिटी भी तो डबल हो गया। मैं 128 कस्टमर कर रहा हूँ एक फोन पे, और यहाँ पे 64 कस्टमर कर रहा हूँ। तो आप जरा सोचो कि आपने जब पैसा डबल जब खर्च कर दिया, डबल पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर आपका कस्टमर आप डबल नहीं कर पाए तो क्या फायदा है? तो दोस्तों मैं अब एक जिस्ट में बता रहा हूँ कि किसको ईपोन लेना चाहिए, किसको जीपोन लेना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दो कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर विद इन 2 या 3 किलोमीटर के अंदर में ही आपका सारा कस्टमर है, और विद इन 2-3 किलोमीटर के अंदर लगता है आपको आपका 128 कस्टमर कंप्लीट हो जाएगा एक फोन का, तो आप जीपोन ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका 100 कस्टमर को कवर करने में आपका डिस्टेंस 5-7 किलोमीटर चला जाएगा, तो फिर आपको जीपोन लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उन लोगों को ईपोन लेना चाहिए। आप अगर गांव में काम कर रहे हैं या एक ऐसे जगह पे एक छोटे शहर में काम कर रहे हैं, तो आप ईपोन लीजिए। और आप अगर एकदम अर्बन एरिया में हैं जहां पर डेंसिटी बहुत हाई है और 2 किलोमीटर के अंदर आपका कस्टमर हो जाता है, एक आप देखो अगर बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे एयरटेल फाइबर से जो लोग फ्रेंचाइजी पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी उनका क्या गाइडलाइन है कि आपका जो ओएलटी जहाँ लगा हुआ है, ओएलटी से 2.5 किलोमीटर से दूर नहीं जाना है, और मैक्सिमम 3 किलोमीटर, उससे दूर आप नहीं जा सकते हो। 3 किलोमीटर के अंदर में ही आपका कनेक्शन होना चाहिए। और इसमें भी ये चीज है कि मान लो आपने बदमाशी करके आप ये भी करते हो, तो जब आप एक्टिवेशन करोगे ना, उस समय आपका मोबाइल जो पे कनेक्ट करते हो, तो वो अगर 3 किलोमीटर के अंदर नहीं आएगा तो एक्टिवेट नहीं होता है उनका। तो ये आप समझिए, बड़ी बड़ी कंपनियां भी क्यों जीपोन अगर लगाते हैं तो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही आज का हमारा टॉपिक था, ईपोन या जीपोन कौन सा ले। तो इन समरी मैंने समझा दिया आपको कि ईपोन क्यों लेना चाहिए और जीपोन क्यों लेना चाहिए। अगर इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है फिर भी, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास ऑलरेडी देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पे हमने लिख दिया है। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, या आपको कोई ईपोन वोल्टी या जीपोन वोल्टी का रिक्वायरमेंट है तो भी आप हमसे बात कीजिए। हम आपको बहुत बेटर प्राइस पे, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का वोल्टी अवेलेबल है, हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा टेक्निकल में जाएंगे, खत्म नहीं हुआ वीडियो, मत सोचो वीडियो खत्म हो गया, थोड़ा टेक्निकल में चलते हैं इसको। थोड़ा एक डेटा शीट लेते हैं सैरोटेक का, ठीक है। सैरोटेक का डेटा शीट लेके थोड़ा इसको समझा जाए है क्या ये चीज, ठीक है। तो देखिए ये आपका सैरोटेक का जीपोन वोल्टी जो है उसका ये डेटा शीट है, आप जरा देखो क्या लिखा है। ट्रांसमिशन रेट 2.5 Gbps, डाउनलिंक और अपलिंक है 1.2, ठीक है। और पॉन मॉड्यूल B+ और C+ पॉन मॉड्यूल आपको मिल रहा है, सिक्योरिटी में बोल रहा है ONU ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। तो दोस्तों ऐसा मत सोचो कि इसमें है और ईपॉन में भी मिलता है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म ईपॉन में भी आप इनेबल नहीं करते, आप क्या करते हो प्लग इन प्ले वाला हिसाब से चला रहे हो, ऑथेंटिकेशन डिजेबल करके रखो, ठीक है। ऐसा नहीं, इसमें भी है इसमें भी है। अच्छा अभी स्टैंडर्ड ये देखो IEEE का और ITU का स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इसका तो LACP उसमें भी अवेलेबल होता है, इसमें भी है उसमें भी अवेलेबल है, और ये सब चीज थोड़ा अलग। ये वाला जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्डशिप आपको जीपॉन में मिलेगा, ईपॉन में नहीं मिलेगा, ठीक है।
QoS जो है, आप सोचो कि QoS का जो एडवांटेज आपको थोड़ा सा मिलता है जीपॉन में, लेकिन देखो उतना अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है, उससे अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ज्यादा बेटर से, आप टेक्निकली आपको थोड़ा बहुत डिटेल में जाना है तो कमेंट कीजिए, एक इसके ऊपर मैं डिटेल में एक टेक्निकल वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है। और अब आते हैं थोड़ा सा साइरोटेक का ईपन ओवल्टी के ऊपर में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे साइरोटेक का ओपन ओल्टी में क्या लिखा, द ओल्टी कैन बी यूज फॉर ट्रिपल प्ले, VPN, IP कैमरा, इंटरप्राइज लैन, ICD, मतलब बहुत जो लोग बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, सेल्स वाले बंदे बेसिकली, कि भाई ईपॉन में देखो, सेल्स वाले बंदे मतलब कहने का मतलब जो गलत सेल्स वाले बंदे भी बहुत टेक्निकल होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तो दिल पे नहीं लेने का, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दिल पे मत लीजिए, ऐसा हमें कोई, मैंने बोल रहा सभी को नहीं ब्लेम कर रहा, जो बदमाश लोग हैं उनको मैं सिर्फ ब्लेम कर रहा हूँ। तो अपना सभी कुछ इस पे भी आप चला सकते हो, ट्रिपल प्ले भी चला सकते हो, IPTV चला सकते हो, टेलीफोन चला सकते हो, सभी कुछ यहाँ पे चलता है, ठीक है। 1:64 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्प्लिटिंग रेशियो है, ठीक है, और सारा डिटेल भी है यहाँ पे। आप सैरोटेक की वेबसाइट से आपको ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। और आप ये देखो, मैं देखो सभी, ये भीसोल का बेसिकली ओएलटी का है, नेटलिंक का भी वही ओएलटी है, और DBC का भी वही है, यूनिवे का भी वही है, सभी ओएलटी एक ही जगह से मंगाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। बस ये लोग अपना अपना नाम यूज करते हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने केबल ऑपरेटर जो दोस्त हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से चीज सीखे और अपने पैसे को सेव कर सके। देखो याद रखना, टेक्नोलॉजी को आप जितने अच्छे से समझोगे, आप उतने अच्छे से प्रोडक्ट को खरीद सकोगे और उसको ऑप्टिमाइज तरीका से यूज कर सकोगे, और अपने नेटवर्क को मैंने ऐसा बना सकते हो ताकि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सको, और ज्यादा से ज्यादा वहां पे आप मैंने मेंटेनेंस जो कॉस्ट है उसको आप लो कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।